रहमानी में आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि डिसीजन ट्रीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और उसके लिए एक मैंने डेटा सेट डाउनलोड किया है, बील्स का डेटा सेट है। इसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के कुछ लेबल्स दिए हुए हैं और कुछ हमारी एक क्लास दी हुई है। माइट बी क्लास अभी ज़ीरो है, दो क्लासेज हमें दी हुई हैं ज़ीरो एंड वन, और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इनके ऊपर एक डिसीजन ट्रीज लगा के क्लासीफायर डिसीजन ट्री लगा के हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को कैसे इसके मुताबिक ट्रेन कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जैसे हम लोग उसके लिए कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, पांडास को मैंने इंपोर्ट कर लिया। नंपाई की फाइल को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, नंपाई भी मैंने कर लिया। मैट प्लॉट को भी कर लेते हैं। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं अपने कोड को रीयूज़ करने के लिए, या बिल्ट इन लाइब्रेरीज को रीयूज़ करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा होगा, हम लोगों ने इसी के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं, तो इसी वजह से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, यहाँ देखो तो मेरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट होगी। और हमने ये भी देखा था कि हमने मॉडल्स को कैसे लोड करना है sklearn के ज़रिए। कुछ बिल्ट इन मॉडल होते हैं, तो हम उनको भी देख लेता हूँ। sklearn डॉट मॉडल, मॉडल सिलेक्शन मैंने कर लिया, उसमें से मैंने इम्पोर्ट करना है ये जो है ना मेरी डिसीजन ट्री। क्योंकि क्लासीफायर है, तो जब भी हम क्लासीफायर में जाते हैं ना, तो हम लोगों हमें डाटा को ना सेपरेट करना पड़ता है ट्रेनिंग डाटा सेट में और टेस्टिंग डाटा सेट में। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हम लोगों ने अपने मॉडल को एक दफ़ा ट्रेन करवा देते हैं, फिर उसी से हमने प्रिडिक्शन लेने के लिए हम डाटा सेट को सेपरेट कर देते हैं दो पार्ट्स में। तो ये सिर्फ उसी के लिए किया हुआ है। और डाटा सेट के लिए भी हम देख लेते हैं। मैंने डिसीजन ट्री लेना, तो मैंने डिसीजन ट्री पर ऊपर मैंने काम करना, तो मैंने sklearn से ट्रीज़ को इंपोर्ट किया। और यहाँ से अब मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ओके, अब मैं डेटा सेट लिखता हूँ। डेटा सेट रीड करने के लिए जैसे हमने पहले भी देखा था, हमने उससे भी किया था डेटा सेट को रीड। अब मैं पांडा से डेटा सेट को रीड करने का आपको तरीका बताता हूँ। पीवी डॉट रीड सी एस वी जी, मुझे रीड सी एस वी चेंज करनी है। और कहाँ से करनी है, मेरा ये पाथ है। ओपी पाथ किया मैंने इसको यहाँ पे पाथ दे दिया कि आपने यहाँ से डाटा सेट को मेरे रीड करना है। और इससे अगर हम उन्हें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी बनाना है, तो माइट भी मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की भी ज़रूरत पड़े, तो मैं उसको भी फॉर द टाइम बीइंग कर लेता हूँ। क्योंकि मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ले और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे तो ठीक है। अब मैंने जो डेटा सेट नोट किया, अगर मैंने इसमें देखना हो कि इसमें कौन कौन से वैल्यूज़ हैं या कौन कौन से पैरामीटर हैं, तो मैं वैल्यूज़ के ज़रिए डेटा सेट डॉट शेप ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ डाटा सेट वैल्यू को। ओके, यहाँ पे ये मुझे डाटा सेट के अंदर शेप बता देगा कि जो भी मेरा डाटा सेट है तो इसमें शेप क्या है, इसमें क्लासेस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, और वो सारी डाटा सेट की मुझे डिटेल दे देगा। और नेक्स्ट में मैं डेटा सेट को ही अगर दोबारा यूज़ करूँ
डाटा ले ली। अब यहाँ पे ना हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक्स और वाई। एक्स के अंदर हमारे पास मोस्टली क्लासेस पड़ी होती हैं, वाई के अंदर हमारे एक्स के अंदर हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स पड़े होते हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स पड़े होते हैं। वाई के अंदर हमेशा हमारे लेबल्स पड़े होते हैं। जैसे माइट भी सपोज करें कि यहाँ पे ये सारे इसके फीचर्स वगैरह हैं, ये मैं एक्स में रख दूंगा और इसका लेबल है ज़ीरो, और ये मैं वाई में रख दूंगा, ये सारा मेरा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये सारा मेरा वाई को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में कोड लिखते हैं तो हम एक्स और वाई के वेरिएबल के ज़रिए ही डाटा सेट को सेपरेट करते हैं। अब अगर मैं अपने डाटा सेट को सेपरेट कर रहा हूँ तो एक्स इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट ड्रॉप का फंक्शन, ड्रॉप का मैंने फंक्शन बनाया कि क्योंकि मैंने अगर इसको सेपरेट करना है अपने डाटा सेट को तो यहाँ पर मैं क्लासेज लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू वन। इसी तरह मैं वाई के डाटा सेट को भी कर लेता हूँ, ओके। अब वाई के डाटा सेट वाई के अंदर भी हम देख लेते हैं, वाई के अंदर सिर्फ मुझे क्लासेस चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लासेस दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास चाहिए। अब जो मैंने यहाँ पे ट्रेन एक्स ट्रेन का एक मैंने बना लिया, इसी तरह एक मैं टेस्ट टेक्स्ट का बना लेता हूँ, इस तरह वाई ट्रेन। ये मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं, अभी इसके अंदर मैंने अपने डाटा सेट को सेपरेट करके एक एक वेरिएबल में डिफाइन करना है, तो उसके लिए फंक्शन जो यूज़ होता है यहाँ पे जो मैंने यू इंपोर्ट किया है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा, इंपोर्ट इसी फंक्शन को मैंने यूज़ करना है। यहाँ पे एक्स कॉमा वाई ट्रेन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर ले रहा है, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक्स ये देना पड़ेगा और कौन कौन से पैरामीटर ले रहा है, एक मैंने वाई का डिफाइन किया, वाई भी ले रहा है और टेस्ट इज इक्वल टू। यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्ट किया था एसकेलन से मॉडल को वहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और ये मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं कि और जो इनके अंदर वैल्यू जो सेपरेट होके आएगी वो इन वेरिएबल में स्टोर होगी। कौन से वेरिएबल्स कौन से सेपरेट करेगा, एक्स और वाई, ये वाले मेरे पैरामीटर मेरे पूरे डाटा सेट को सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे उसके लिए मैंने लिख दिया टेस्ट केस 0.20। इसमें ऐसे होता है कि हम डाटा सेट को ना सेपरेट करते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट में और टेस्टिंग डाटा सेट में। हम ट्रेनिंग के अंदर मैक्सिमम डाटा सेट रखते हैं, अगर हमारे पास 100 इमेजेस हैं तो हम उसमें से 80 ट्रेनिंग के लिए रख देंगे और 20 टेस्टिंग के लिए रख देंगे। तो ये वही मैंने एक फार्मूला लगाया है, बिल्ट इन फार्मूला, ये ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर। अब मुझे क्लासीफायर चाहिए, जो मैंने यहाँ पे क्लासीफायर एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, क्लासीफायर के अंदर अब मुझे सी एन ट्री जो मैंने इंपोर्ट किया था इसके ज़रिए मैं देख लेता हूँ, मैंने क्लासीफायर के अंदर मैंने डिसीजन ट्री को पास कर दिया। अब मैंने क्लासीफायर क्या हुई, ये मेरा मॉडल इसके अंदर लोड हो गया। अब मैंने इसी को फिट करना है, अपने डेटा सेट को फीड करवाना है मॉडल को, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको नेम बेस में भी बताया था, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं डॉट फिट का, डॉट फिट के अंदर। और इसके अंदर पैरामीटर कौन कौन से लेगा जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए, इसके अंदर मैं ये वाले पैरामीटर पास कर दूंगा, एक मैं पास कर दूंगा ट्रेन का और एक मैं पास कर दूंगा वाई ट्रेन का। क्लासीफाई के अंदर ये हो गया। अब
वाई की मैंने प्रिडिक्शन भी अगर लेनी हो क्लासिफायर क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन, प्रिडिक्ट का फंक्शन ऑलरेडी है और ये में से लिए कौन कौन से पैरामीटर है, एक्स चेक इन चेक आउट, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने इसके अंदर पास कर दिया टेक्स्ट का फंक्शन। अब ये फंक्शन के अंदर तो मैंने मॉडल के अंदर मॉडल को फिट करवा दिया कि मुझे आपने ट्रेन और ट्रेन एक्स और वाई के ट्रेन पैरामीटर पास कर दिए। अब मैंने मॉडल से कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन भी तो लेनी है ना, वो मैंने वाई प्रिडिक्शन लिया और टेक्स्ट के ऊपर ले लिया एक्स टेस्ट के ऊपर। अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ तक तो मेरा मॉडल हो गया, प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि मॉडल क्या क्या हमें रिटर्न करवाता है। उसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे ये रहा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट किया था। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, वो क्या होता है, वो यही होता है कि मैक्सिमम क्लास कौन सी क्लास में से उसने कितने परसेंट एक्यूरेसी हमें निकाल के दिए। मैक्सिमम अगर हमारे पास थ्री क्लासेज हों तो वो टेबल बनाता है, उन टेबल के ऊपर देखता है कि मैंने इस क्लास को इतने परसेंट प्रिडिक्ट किया, इस क्लास को इतने परसेंट प्रिडिक्ट किया, इस क्लास को इतने परसेंट, और एंड के ऊपर ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट एक क्लास का सेम बनना चाहिए। सपोज अगर एक क्लास के अंदर 50 इमेजेस हैं तो वो क्लास वन में कहेगा कि क्लास वन के अंदर 75 इमेज एक क्लास के बिलोंग करते हैं, बाकी रिमेनिंग इमेज जो है वो क्लास टू के बिलोंग करते हैं, क्लास थ्री में कोई भी बिलोंग नहीं करते। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऐसे काम करते हैं। अब मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करना है, किस किस के ऊपर मुझे ड्रा करना है, मैं देख लेता हूँ। वाई टेस्ट के ऊपर मुझे ड्रा करना है और वाई की प्रिडिक्शन के ऊपर, यहाँ तक तो ठीक है मेरा। और एक अगर मैं एक और भी लूँ प्रिंट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे मैंने ली, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मैंने ले ली, और ये मुझे किस किस के ऊपर लेनी है, वाई टेस्ट के ऊपर कॉमा वाई की प्रिडिक्शन के ऊपर, यहाँ तक तो मैंने ले ली। अगर इस कोड को मैं रन करके देखूँ तो क्या क्या मुझे देता है, ओके यहाँ पे एरर आ गया है एक्स इज नॉट फाउंड। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एरर कहाँ के ऊपर आया, लेबल बेस के ऊपर फ्रेम एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस वन के ऊपर एरर आया है एक्स डाटा, ओके। यहाँ पे क्योंकि मैंने वेरिएबल नेमिंग में ओके डॉट ड्रॉप एक्सिस वन, अब इसको चला के देखते हैं। अभी भी एक्सिस वन के ऊपर एरर आ रहा है, इसको देखता हूँ। ओके ओके ये एक्सिस वन नेम, ओके माइट भी, अब मेरे ख्याल से सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन कह रहा था तो माइट भी क्लियर हो गया। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं कोड को, ओके इस कोड ने मुझे यहाँ पे रनिंग करके दिखा दिया वैल की वैल्यू जो थी उसने मुझे बताया 1, 3, 7, 2 और 5 क्लासेस, और डाटा के अंदर उसने मुझे बता दिया कि डाटा के अंदर आपके पास ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ भी तो उसने मुझे ठीक है ओके सही बता रही है, एट्रीब्यूट्स सब यही है मेरे पास 5 तक 4 तक 146 और 4, 146 माइट भी वो हमें कह रहा हो, ओके ठीक बता रहे। और ओके यहाँ पे जो मैंने प्रिडिक्शन यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसने बना दिया, ओके। और यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि हमारे पास ना डिफरेंट किस्म की वैलिडेशन यूज होती है एक्यूरेसी मैयर करने के लिए, तो वो यही बता रहा है कि प्रिसीजन हमारे पास इतना आ रहा है, रिकॉल हमारे पास इतनी आ रही है, F1 स्कोर हमारे पास इतना आ रहा है, सबका ये मल्टीप्लाई करवा के एक्यूरेसी वगैरह ये हमें बताते हैं। और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में भी हमें उसने एवरेज बता दी इतनी है, ठीक है, और वेटेड हमारे पास इतने। तो यहाँ से हमने देख लिया, हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना के भी देख लिया, अपना डेटा सेट को भी देख लिया। अगर हम लोगों ने कोई भी अपना डेटा सेट भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, आपके पास कोई भी CSV के फॉर्मेट के अलावा कोई भी डेटा सेट हो आप उसको यहाँ पे अपना डेटा सेट पास करें और आप इसी तरीके से डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं।